आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें लगभग 64% वोट मिले, यानी 6,76,803। वहीं इनके विपक्षी यशवंत सिन्हा जी को 3,80,177 वोट मिले। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने ये चुनाव करवाया। इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थीं। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के आदिवासी समाज से आती हैं। इन्होंने 2015 से 2021 तक गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में झारखंड राज्य की सेवा की। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, कैसे इनके वोटों की गिनती की जाती है, संविधान में इसके बारे में क्या लिखा गया है। शुरुआत करते हैं संविधान से। संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा उसमें व्याख्या की गई है। कौन कौन से लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात मतदान कर सकते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 55 चुनाव विधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं कार्यपालिका बताता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन एवं अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में व्याख्या किया गया है। ऐसे कौन से कारक है जिस कारण आप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते उसकी भी व्याख्या की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य होते हैं जबकि देश का पूरा कार्यकाल मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री संभालते हैं। जिस कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाए ताकि खर्च भी कम हो और समय भी कम लगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य भी हिस्सा नहीं लेते हैं। संविधान के 70वें संशोधन के बाद 1992 के बाद दिल्ली एवं पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने लगे। इस समय राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें 776 सांसद थे, लोकसभा के 543 एवं राज्यसभा के 233 थे। वहीं विधानसभा के 4,033 सदस्य थे। वहीं ये जनसंख्या 2019 से पहले 4,120 थी, मगर JNDK के आ जाने के कारण 87 उम्मीदवार बढ़े। MP और MLA की वोटों की वैल्यू वहां की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ उतनी ही वोटों की वैल्यू होती है। जैसे कि यूपी के एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है, वहीं सिक्किम राज्य के विधायक की वैल्यू केवल 7 है। अर्थात यूपी में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहां के विधायक की वोट की वैल्यू ज़्यादा है। एक MLA की वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ MLA इन ए स्टेट बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1/1000 किया जाता है। उसी तरह MP के वोट की वैल्यू टोटल MLA वोट बाई टोटल नंबर ऑफ MP कर दिया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम आधे से एक ज़्यादा वोट चाहिए, यानी कोटा जो है राष्ट्रपति बनने का वो है MP प्लस MLA वोट्स बाई 2+1, जो वर्तमान आंकड़े के अनुसार 5,43,200+ 5,43,231 बाई 2+1 यानी 5,43,216 मिनिमम वोट चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू जी ने ये आंकड़ा क्रॉस कर 6,76,803 वोट पाए। शुरुआती दौर में ये देखा गया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कई उम्मीदवार उठ जाते थे और उन्हें एक भी MP या MLA का समर्थन नहीं मिलता था, जिस कारण चुनाव आयोग ने 1952 में
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लाया, जिसमें कम से कम 50 समर्थक अनिवार्य हैं, अर्थात नॉमिनेशन के लिए आपको 50 या 50 से अधिक एमपी या एमएलए का समर्थन चाहिए। नीलम संजय रेड्डी भारत के निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे, जो 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उस समय 37 उम्मीदवार नॉमिनेटेड थे, मगर चुनाव आयोग ने 36 को खारिज कर दिया, अर्थात निर्विरोध जीते। राष्ट्रपति चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, अर्थात किसी भी दल या पार्टी का नेता किसी अन्य पार्टी के नेता को भी चुन सकता है। आमतौर पर यह चुनाव एक ही चरण में हो जाता है। श्री वीवी गिरी मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे राउंड में जीते। हमने राष्ट्रपति एवं उनके चुनाव पद्धति के बारे में जाना। अब जल्द ही हम जेईई मेंस और IIT और उसके साथ साथ कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।